कांग्रेस राज में रेत माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे सीधे सरकारी कर्मचारियों को धमकाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला छतरपुर में देखने को मिला है। कांग्रेस राज आते ही वक्त बदला तो रेत माफियाओं के हौसले फिर बुलंद हो गए। छतरपुर में रेत माफिया सरकारी कर्मचारियों को धमकाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला चंदन नगर रेंज के सिगोन का है, जहां वन विभाग में पदस्थ बीट गार्ड अयोध्या प्रसाद ध्रुवे को डंप रेत पर कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी रेत माफियाओं ने दी है, जिस पर बीट प्रभारी ने बमीठा थाने में लिखित शिकायत की है और धमकी देने वाले का ऑडियो भी पुलिस को दिया है। जान से मारने की धमकी दी गई, शासकीय कार्य बाधा उत्पन्न की गई है। छुट्टी से आने के बाद अवैध रेत का जो डंप था उसको हम लोग परिवहन करा रहे थे अपनी चौकी में, जिसमें POR वगैरह भी दर्ज कराई गई थी, पूरी विधिवत कार्रवाई हुई। रात्रि के समय परिवहन के जस्ट बाद उन्होंने आकर के धमकी दी संबंधित बीट गार्ड को, ध्रुवे नाम है उसका। उसने मुझे जैसे ही बताया तो वरिष्ठों से निर्देश लिए, उन्होंने कायमी दर्ज कराने की सूचना दी थाने में जाकर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।